गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर 4 द राइटरअप स्टार्ट किया हुआ है, उसी में आज हम बचे हुए पार्ट को आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने देखा कि कैसे जो पैडलर है उसके इंटरशीट में आ गई एडला विलियमसन, उसके पक्ष में आई और उसने अपने पिता से जिद की कि आज क्रिसमस के ऊपर इसको यहीं पर रहने दो। और अब उसके आगे इट वॉज ऑल ए मिस्टेक, हाँ ये गलती थी, अफकोर्स निसंदेह, सी कंटिन्यूड, बट लेकिन एनी वे फिर भी आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती वी ओट टू चेंज अवे, हमें भगा देना चाहिए ए ह्यूमन बींग, एक मानव को होम जिसे वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, जिसे हमने यहाँ आने के लिए कहा हो, एंड टू होम, और जिसे वी हैव प्रोमिस क्रिसमस चेयर, जिसके साथ हमने वादा किया हो क्रिसमस सेलिब्रेट करने का, चेयर करने का। यू डू पिच वर्स देन ए पार्शन, तुम एक पादरी से भी भयंकर उपदेश देती हो, शेड द आयरन मास्टर, उस लॉ के व्यापारी ने कहा। आई ओनली होप, मैं सिर्फ ये आशा करता हूँ, यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, तुम्हें इसके ऊपर पछताना ना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उस जवान लड़के ने उसे अजनबी को हाथ से पकड़ा, एंड लेड हिम टू द टेबल, और उसे टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, अब बैठ जाओ और खाओ, सी सैड, उसने कहा, फोर, क्योंकि सी कुड सी दैट, क्योंकि वो देख सकती थी, सी कुड सी दैट, क्योंकि वो देख सकती थी कि हर फादर हैड गिवन इन, कि उसके पिताजी मान गए हैं। द मैन विद द रेड ट्रप सैड नॉट ए वर्ड, और उस चूहे दानी वाले आदमी ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन, वह सिर्फ बैठ गया, एंड हेल्प हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने खाना खाया। टाइम आफ्टर टाइम, समय समय पर, ही लुकड एट द यंग गर्ल, उसने उस जवान लड़की की तरफ देखा, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसका पक्ष लिया था। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या विचित्र आइडिया विचार हो सकता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, क्रिसमस हैव एट राम सो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैज, इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस एव की श्याम राम सो में वैसे ही गुजर गई जैसे कि हमेशा गुजरती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, और उस अजनबी ने कोई मुसीबत नहीं खड़ी की, बिकॉज, क्योंकि ही डिड नथिंग बट स्लीप, उसने सोने के सिवाय कुछ नहीं किया। द होल फोरनून, पूरे दोपहर, ही ले ऑन द सोफा, वो सोफे पर लेटा रहा, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, उस गेस्ट रूम में मेहमान वाले कमरे में रखे हुए सोफे पर लेटा रहा, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही करवट सोता रहा। एट नून, दोपहर में, दे वोक हिम अप, उन्होंने उसे जगाया, सो दैट, ताकि ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो दोपहर के क्रिसमस भोजन में अपना हिस्सा ले सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा से सो गया। इट सीम्ड, ऐसा दिख रहा था, एज दाउ, जैसे कि, फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से, ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वो सो नहीं पाया हो, एज क्वाइटली, इतनी शांति से, एंड सेफली, इतनी सुरक्षा से, एज हेयर एट राम सो, जितना कि वो राम सो यहाँ पर सो पा रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, वहन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस पेड़ को जलाया गया, दे वॉक हिम अप अगेन, उन्होंने दोबारा उसे जगाया, एंड स्टूड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। इन द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग, अपनी आंखों को टिमटिमाता हुआ, एज दाउ, जैसे कि, द कैंडल लाइट हर्ट हिम, जैसे कि वो मोमबत्ती की रोशनी उसे परेशान कर रही हो। बट आफ्टर दैट, लेकिन इसके बाद, ही डिसअपीयर्ड अगेन, वो दोबारा से गायब हो गया। टू आवर्स लेटर, दो घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड, उसे जगाया गया, वंस मोर, एक बार फिर, ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, तब वह गया डाइनिंग रूम में, एंड ईट द क्रिसमस फिश, और तब उसने खाया क्रिसमस मछली, एंड पोरीज, हलवा उसने खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, और जो ही वो खड़े हुए टेबल से, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, वो वहाँ पर प्रत्येक मौजूद व्यक्ति के पास गया, एंड सैड थैंक यू एंड गुड नाइट, सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि का। बट वहन, लेकिन जब ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस जवान लड़की के पास आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे समझाया, दैट कि इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, ये उसके पिता की इच्छा थी, दैट कि ही दैट द शूट विच ही वोर, जो सूट उसने पहना हुआ है, वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, ये उसके पिता की इच्छा थी कि जो सूट उसने पहना हुआ उसे वो क्रिसमस का प्रेजेंट माने। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये नहीं लौटाना है, एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव, और यदि वो चाहता है टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस एव, अगली क्रिसमस एव भी बिताना, इन ए प्लेस, इस स्थान पर, वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ वो रेस्ट कर सकता है इन पीस शांति से, एंड बी श्योर दैट, तो उसे आश्वस्त किया जाता है, नो एविल वुड बिफॉल हिम, उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं की जाएगी, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया जाएगा, ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसका दोबारा से स्वागत किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और उस चूहेदानी वाले आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ही ओनली स्टेड एट द यंग गर्ल,
उसने सिर्फ उस जवान लड़के की तरफ घूरा। इन बाउंडलेस अमेजमेंट, बड़ी ही असीमित हैरानी से उसकी तरफ घूरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, अच्छे विचारों के साथ दोनों खड़े हुए टू गो, जाने के लिए, टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, जल्दी क्रिसमस पूजा के लिए जाने के लिए खड़े हुए। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका मेहमान अभी भी सोया हुआ था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इनको पढ़िए और इसके क्वेश्चन आंसर आपको कल दे दिए जाएंगे।